हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश। आज आप लोगों को पायरिया के बारे में दोस्तों बताएंगे। तो पायरिया का होम्योपैथिक में बहुत ही बेटर मेडिसिन है। और पायरिया के बारे में पहले आप जान जाए, पायरिया कहते किसको हैं? जो लोग नहीं जानते हैं तो पायरिया तो सभी लोग जानते हैं, एक कॉमन मीनिंग भी है पायरिया। तो दांतों से ब्लड निकलना, दांतों से मुँह से स्मेल आना, जबड़ों में स्वेलिंग हो जाना, ब्रश करने पर दांतों से ये सब चीज़ों को पायरिया कहते हैं। आप मोटे वे में जान जाए, ऐसे तो अगर मेडिकली और भाषा में बता दिया जाए तो बहुत सा ओवरलैप्स कर जाएगा। बस आप इतना जान जाए कि दांतों से ब्लीडिंग आना, महक आना मतलब कि बदबू आना, स्वेलिंग हो जाना, इसको ही पायरिया कहते हैं दोस्तों। और पायरिया का होम्योपैथिक में बहुत ही बेटर मेडिसिन है और बहुत ही बेटर वर्क करती है पायरिया केस में। और दूसरी चीज़, इस बात का भी ध्यान रखें, पायरिया के चीज में अगर आपको कंस्टिपेशन हो तो पहले आप कंस्टिपेशन को भी उसके साथ, अगर पायरिया का मेडिसिन लेते हैं तो कंस्टिपेशन का भी एक मेडिसिन आपको लेना होगा, जो अपना इस वीडियो में बता दिए हैं। कंस्टिपेशन के लिए बस सिंगल मेडिसिन, चार मेडिसिन नहीं कि 10 मेडिसिन काम नहीं करता, बस एक मेडिसिन कंस्टिपेशन है, बहुत ही बेटर काम करता है। अपना कंस्टिपेशन पर हम वीडियो में दिए हुए हैं, जो मदर टिंचर में मेडिसिन है ज़्यादा काम करता है कंस्टिपेशन पर। और जो क्वेश्चन रहेगा वो पूछ सकते हैं। तो पायरिया केस में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करता है। अब जैसे कार्बोफेज मेडिसिन है, आप लोग जानते भी होंगे, गैस के लिए बहुत ही रामबन दवा है। और भी होम्योपैथिक में एक मेडिसिन जो है 10 रोगों में काम करती है, तो कार्बोफेज मेडिसिन है। अगर आप ब्रश करते हैं और उसके बाद खून आ जाती है तो कार्बोफेज मेडिसिन आपके लिए रामबन दवा है। बस आप कार्बोफेज मेडिसिन 200 पावर में सुबह शाम 4 गुन खाएं, बहुत ही बेटर काम करती है। दूसरी चीज़ है, दूसरी मेडिसिन जो है मर्कसोल। तो मर्कसोल पायरिया केस में बहुत ही बेटर मेडिसिन है, बहुत ही बेटर। अगर मसूड़ों में स्वेलिंग हो, एक्सेस आपको लार बनता हो और थोड़ा सा हल्का पेन भी, तो मर्कसोल मेडिसिन जो है बहुत ही बेटर काम करती है पायरिया केस में। और मर्कसोल मेडिसिन पेट के केस में बहुत बेटर काम करती है। हल्का अगर पेट में भी खराबी कंस्टिपेशन है और पायरिया है तो आप मर्कसोल मेडिसिन लें, बहुत ही बेटर काम करती है। उसके बाद एक मेडिसिन आती है क्रिजोटम। क्रिजोटम मेडिसिन जो है उसमें एक्सेस आपको ब्लीडिंग होगा, बहुत एक्सेस स्मेल होगा, किसी के बगल में अगर आप खड़े रहते हैं तो आपके मुंह से बदबू आएगी, तो उस केस में आप क्रिजोटम मेडिसिन 200 पावर में लें, सुबह शाम 4 गुन खाएं, बहुत ही बेटर काम करती है। उसके बाद एक और मेडिसिन है फास्फोरस। फास्फोरस में जो मेडिसिन है, अगर आपके दांत में एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है और स्मेलिंग भी ज़्यादा है और इन्फ्लामेशन भी है, तो फास्फोरस ज़्यादा खाने का मेडिसिन नहीं है, एक आध खुराक का फास्फोरस मेडिसिन। और उसके बाद मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस मेडिसिन जो है वो भी जो है बहुत ही बेटर काम करती है। आपको दांत से ब्लीडिंग आ रहा है, दांत में मसूड़ों में स्वेलिंग है, स्मेल है और आपका चेस्ट जो है यहाँ भी फूला हुआ है, अगर ये फूला हुआ है तो आप बस लैकेसिस मेडिसिन एक डोज लें, ज़्यादा भी खाने का चीज़ नहीं है लैकेसिस मेडिसिन, एक आध खुराक लें। और जो दवा आप अपना खाते हैं, जिस दिन दवा ले उस दिन बस एक ही दवा लें और फिर दूसरा दिन से अपना जो दवा खा रहे हैं जो सिम्टम मिल गया वो दवा खा, बहुत ही पायरिया केस में बेटर काम करती है। तो पायरिया केस में मेनली जो मेडिसिन है आप लोगों को बता रहे हैं, मर्कसोल, कार्बोफेज और क्रिजोटम, ये बहुत ही बेटर मेडिसिन। बस इसी पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, लैकेसिस और फास्फोरस ठीक है, एक अलग वे में रखिए, एक आध खुराक का वो चीज़ होता है, सिम्टम मिल जाए तो उसको उसको खा सकते हैं। तो पहला तो मुँह से एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्रश करने पर आप कार्बोफेज मेडिसिन लें, बहुत ही बेटर काम करती है। कार्बोफेज मेडिसिन को याद रखें और उसको खाएं, बहुत ही पायरिया केस में फ़ायदा करती है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना।